ज्यादा बकवास मत करो, समझे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती बदतमीज? क्या हुआ, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? निकल जाओ मेरी जिंदगी से, बहुत घटिया इंसान हो तुम। मेरा फोन मुझे वापस करो। अरे कल ही तो इनकी शादी हुई है और आज ही क्या हो रहा है? चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? अरे तुम खुद ही देख लो, कल इनकी शादी हुई है और आज ये लड़ाई कर रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, पिनार को शादीशुदा जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। मुझे इतना भी पता है कि इसने कल शादी के अंदर कौन सा नेकलेस पहना था। ये भले तुम लिखवा लो मुझसे। कैसा घटिया आदमी है, हमें सर से पैर तक देख रहा था। भाई मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चलो तुम अच्छे से काम करो। ओके थैंक्स। क्या तुम पढ़ाई छोड़ के कभी दोस्तों के साथ घूमती नहीं हो क्या? अरे सलीम साहब को आज अपने दोस्तों से कैसे फुर्सत मिल गई जो आज यहाँ आ गए? अब तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें एहसास है या नहीं, मैं बी प्लस वाले की बात कर रहा हूँ। वाह कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन इस बी प्लस को लेकर मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? शुक्रिया के साथ। अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो मैं नहीं लेती, पहले ही बता दूं। तुम्हारे ना करने की वजह जान सकता हूं मैं? कोई खास वजह नहीं है। ठीक है ठीक है, नाराज ना हो, नहीं दूंगा कोई सरप्राइज। देखो हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है। इस तरह मेरी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा अच्छे आएंगे। देख रहा हूँ कोई बहुत मगरूर है। बहुत सारे एग्जाम्स, सर्वेज और प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे सरप्राइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? सारा तुम्हें एक बात पता है, मैं उन लोगों को सरप्राइज देने से कभी नहीं थकता जो उस बात के हकदार हो, और उनमें से एक तुम भी हो। अरे वाह, मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। फिर मिलते हैं। कैसी हो? सलाम, क्या हाल है? चुप रहना। कैसे हो दोस्तों? बिल्कुल ठीक, क्या चल रहा है? बिरजिक तुम चल रही हो ना? हाँ हाँ हाँ। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आप दोनों मेहरबान लड़कियां किसके लिए गड़ा खोदने जा रही हैं आज? ओ बहुत फनी हो तुम। सही कहा। हम कल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो कान ने नया रेस्टोरेंट खोला है बस वहीं। हाँ सही। सबसे पहले लंच करते हैं फिर चलते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? ये ठीक है ना सलीम? कोई मसला नहीं, मुझे सब चलेगा। अबे यार ये कहाँ से आ गई यहाँ? क्या कर रहे हो लड़को? अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हारी आंखें तो हर वक्त मुझे ही ढूंढती होंगी। हाँ बहुत।
मुझे मिस करते हो ना? बहुत। मैं भी तुमको बहुत मिस करती हूँ। पिनार, सारा मैं जानती हूँ तुम कॉलेज में हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? उफ, आज होटल के अंदर 3-3 पार्टीज हैं और उन पार्टीज में बहुत सारे लोग आने हैं। प्लीज कह दो कि मेरी शिफ्ट नहीं है। हाँ, तुम्हारी भी है, ये बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मैं भी हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ किचन का काम कर लेना, ठीक है? लड़की, पैसे मिलेंगे, क्या ये बुरी खबर है? और फिर तुम वो बैग भी ले लोगी जो तुम मॉल में छोड़कर आई थी। माशाल्लाह, तुम्हें कोई और सजेशन नहीं मिला था मुझे देने के लिए? ठीक है, फालतू बातें मत करो, अब मुझे बहुत काम करना है। बाय बाय। पहचानो कौन हूँ मैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 2 साल के बच्चे हो क्या? तुम्हें परेशान करने में मुझे मजा आता है। बुराक, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, प्लीज अपनी हद में रहो। और अगर हद में ना रहूं तो क्या करोगी? हाँ, मारोगी मुझे क्या तुम? ऐसे घूर के क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें तो हर बात पे गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पेशकश लेकर आया हूँ। कल मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ वहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी, मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे बहुत काम है। कैसा काम? तुम्हारा इसे क्या लेना देना, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जहाँ दिल चाहे जाओ, जहाँ दिल चाहे आओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल रात की पार्टी में तुम मेरे साथ आओ, हम साथ होंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। तो फिर तुम चल रही हो ना? मेरा दिल नहीं है बुराक, अब मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करने हैं। ओ पढ़ाकू, गुड लक। टीचर सारा, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपको भेज रहा हूँ। मेरा वाहिद मकसद एक लाइक स्टूडेंट बनना है। हेलो। मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, फोन मेरे बैग में था और साइलेंट पे था, इसलिए देर से उठाया। ठीक है, कोई मसला नहीं। टीचर, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपको ईमेल भी कर दिया है, उम्मीद है आप देख लेंगी, यही बताने के लिए फोन किया था। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वेरी गुड। वो क्या है कि अच्छे नंबर हासिल करने के बाद और ज्यादा की ख्वाहिश होती है या नहीं? मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा, ऐसा करने से मैं उन स्टूडेंट्स की तरह ना हो जाऊं जिनका मैं मजाक उड़ाया करता था। और वो कैसे? यानी जो कभी क्लास नहीं छोड़ते थे, जिनकी कोई सोशल लाइफ ही नहीं होती थी। मुझे डर है कि मैं उनकी तरह ना हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूं। वाह मेरे दोस्त, मैं नहीं जानती थी मैं इतनी बुरी हूं। तो अब जान जाओ सारा। आओ बेटा, आज बहुत देर कर दी। ये क्या है? तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ये किसने भेजा है? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरी तरफ से? बुराक, कितना बेशरम इंसान है ये। सिर्फ फूल मत कहो इन्हें, पूरा बागीचा भेज दिया है तुम्हारे लिए। तुम्हें फोन करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं किस बात के लिए उसे थैंक यू कहूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए?
और ये भी दिया है इसके साथ, लगता है इसमें कपड़े हैं। नहीं चाहिए। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? क्या आपने देखा नहीं? अरे सलीम, दोबारा से फिर ना शुरू हो जाना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो हमारी जिंदगी में कल ही आई हो। तुम भी हद कर देते हो सलीम। मैं हद कर देता हूँ? अरे हाँ, और नहीं तो क्या। तुम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। आप भी देख लेना, हमारी सौतेली माँ का आज रात का शो। तो इसमें क्या है, छोड़ो, आज उनकी बर्थडे है। अम्मी को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, याद है आपको? हाँ, माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो कहती थी बुढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। सौतेली माँ की तरह बाबा और उनकी बदलती पसंद। खैर, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रख। अम्मी, मैं जा रही हूँ। सुबह बखैर बेटा, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। ओहो, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गईं। अब मुझे सुबह उठना पसंद है। हाला जान, ये क्या है? आखिर क्या बताऊं बेटा तुम्हें, जिसकी अकल पर पत्थर पड़े हों बेटा, वो इधर उधर के धक्के ही खाता है और कुछ नहीं। प्यारी खाला जान, अपनी मुश्किलात को कौन मुहावरों में बयान करता है। क्या हुआ मुझे बताएं, किसने मेरी खाला को तंग किया? अरे बेटा, मेरी बेटी से बड़ा कोई मसला नहीं है मुझे। बेटा, इसने दोबारा वही किया और खुद को मुश्किल में डाल लिया है। सुनती नहीं है किसी की। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे डर है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, फिर क्या करूंगी मैं। अरे खाला जान, आप हर वक्त इतना परेशान क्यों होती हैं? हम उसके लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ देंगे, अच्छी जगह, किसी होटल या किसी शॉप पर। नहीं बेटा, हमारे मोहल्ले में तो मुश्किल है, लेकिन मेरे जहन में एक बात है बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जहाँ तुम पढ़ने जाती हो वहाँ उसे कोई काम दिला दो, ताकि वहाँ रह के वो तुम जैसी बनने की कोशिश करे। देखिए खाला जान, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि वहाँ कोई वैकेंसी है या नहीं। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम जाओ। हाला जान, आप परेशान मत हुआ करें, मैं उनसे पूछ के आपको जरूर बताऊंगी। जाओ बेटा जाओ। अम्मी जान, मैं आज घर देर से आऊंगी, आज मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगी है एक पार्टी के लिए, इसीलिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है बेटा। ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ खाला। खुश रहो। अरे यार, तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। इस मोहल्ले के लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं किस बात से डरूंगा भाई, मैं 3-4 आदमियों से नहीं डरता हूँ, समझे ना। मैं बस खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मुझे डर है कि मैं कुछ करना बैठूं। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह बखैर। क्या बात है, अब चिल्लाना। हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कॉलेज में कोई वैकेंसीज हैं? मैडम, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं कि कौन सी जगह खाली है। नहीं, मैं कोई बड़ी पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कैफ़े या रेस्टोरेंट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो या हेल्पर की। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। जी सलीम साहब। गुड मॉर्निंग, मैं सारा को ही देखने आया था। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो? पीछा नहीं कर रहा था, कुछ काम था तुमसे।
मैंने सुना था कि एक बड़े कैफे में किसी वेटर की जरूरत है, उसके लिए भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकती हैं। ऐसा है क्या? चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम जॉब तलाश कर रही हो? अगर जॉब तलाश कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉलेज में कोई जॉब अवेलेबल होगी तो वो मेरे सामने ही रहेगी, इसीलिए। वो थोड़ी मूडी भी है और झूठी भी, कुछ नहीं होने वाला। मूडी भी है, झूठी भी है, और कोई खूबी है तो वो भी बता दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा कह। तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरा मतलब है नाजली अच्छी लड़की है। मतलब वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब मैंने जितना कह दिया वो इतनी बुरी नहीं है। तुम्हारी दोस्त के अच्छे पहलू भी हैं। मैं थोड़ी देर पहले तो डर ही गया था। वैसे मैंने फहमी भाई को मैसेज कर दिया है, अपनी दोस्त की नौकरी पक्की समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बड़ा काम नहीं था ये। तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया क्या? हाँ कर तो लिया, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल था, मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम ख़त्म करके लाइब्रेरी आ जाना। तुम पहुँचो, मैं बस अभी आती हूँ। सारा, आइंदा मेरे घर पर कुछ भेजने की कोशिश मत करना। सिर्फ फूल ही तो भेजे थे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ ये भी भेजा था, मुझे लगा रात की पार्टी में तुम इसे पहन लोगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहन के मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा तो सोचा तुम इसे पहन के बहुत खूबसूरत लगोगी। मत सोचो मेरे बारे में, मत सोचो, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें इससे। सारा बस ये एक ड्रेस ही तो है, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है आखिर? मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे घर बार बार आओ। मैं नहीं चाहती तुम मेरे आसपास घूमो। ये लड़की हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है भाई? शायद अभी कुछ और भी हिस्सा रह गया है देखने के लिए। क्या पता किसको क्या फायदा हो जाए इस सिचुएशन से। बेकार बातें मत करो, तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते। सारा देखो, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ सबके सामने खड़े मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। ज़ैनब जानती हो मुझे क्या लग रहा है? बुराक सारा को पसंद करता है। क्या कहा? क्या कहना चाहती हूँ मैं समझी नहीं। बिरजे, मैंने कभी इससे पहले बुराक को नहीं देखा ऐसे, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। अपने मोहल्ले के बदमाशों जैसा सुलूक मेरे साथ नहीं कर सकती तुम। ओह, तो फाइनली तुमने वो कह ही दिया जो तुम काफी दिनों से कहना चाहते थे। नहीं, ये दोनों तो लड़ रहे हैं। ये तो कहीं से नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप है। क्या मोहब्बत है भाई? कितनी बार समझाऊं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, ना तुम्हें अपने इर्द गिर्द देखना चाहती हूँ, ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू है। से बात करो। हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बुराक, जाने दो उसको। सलीम छोड़ो मुझे। बुराक, उसने इस तरह तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुम चुप कर जाओ। ठीक है सलीम, छोड़ दो मुझे। बुराक,
देखो उस बेचारे को उस लड़की ने क्या किया है उसके साथ। थप्पड़ मार दिया यार ऐसे। जाओ जाकर देखो यार उसे कहाँ है वो।